राजस्थान में लगातार पेपर लीक मामले को लेकर एसओजी एक्टिव नजर आ रही है। ऐसे में पेपर लीक मामले में भरतपुर एसपी ऑफिस में तैनात एसआई को जयपुर एसओजी ऑफिस लेकर पहुंची है, जहां एसओजी ने आरोपी जगदीश सियाग से पूछताछ की। इसके अलावा सी रिक्रिएट किया। एसपी ऑफिस में रीडर के पद पर तैनात आरोपी जगदीश सियाग की साल 2014 की एसआई भर्ती परीक्षा में 23वीं रैंक आई थी। एसओजी के डीएसपी शिव कुमार भारद्वाज ने बताया कि आरोपी जगदीश सियाग को भरतपुर एसपी ऑफिस लाया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी को तफ्तीश में अनुसंधान के लिए जहां लाया गया है। उन्होंने कहा मामले में बाकी की जानकारी एडिशनल डीजी जानकारी देंगे। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी जगदीश की साल 2014 के एसआई भर्ती परीक्षा में 13वीं रैंक बनी थी। इस दौरान जगदीश की जगह डमी कैंडिडेट ने जगदीश का पेपर दिया था। इसके लिए उसने करीब 10 लाख रुपए खर्च भी किए। साल 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा में जगदीश ने बहन इंदुबाला विश्नोई व चचेरी बहन भगवती विश्नोई की जगह भी डमी कैंडिडेट से पेपर दिलवाया था। आरोपी जगदीश दो बहनों का डमी कैंडिडेट की मदद से एसआई के पद के लिए सिलेक्शन हो गया था। इसके लिए जगदीश ने अपनी रिश्तेदार वर्षा को हर पेपर के लिए 15-15 लाख रुपए भी दिए थे। इससे पहले जगदीश की दोनों बहनें 2015 में डमी कैंडिडेट की मदद से कांस्टेबल बन चुकी थी। इस मामले को लेकर लगातार एसओजी एक्टिव नज़र आ रही है। एसओजी ने जगदीश की दोनों बहनों को भी गिरफ्तार कर लिया है। लगातार एसओजी द्वारा कार्रवाई की जा रही है। एसआई की भर्ती परीक्षा 2021 में पेपर लीक कर और डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा पास करवाने वाला 14 ट्रेनिंग एसआई को एसओजी ने कोर्ट में पेश कर चुकी है। और इससे पहले एसओजी दो बार 6-6 दिन की रिमांड लेकर गिरफ्तार एसआई से पूछताछ भी कर चुकी है। लगातार ऐसे मामले राजस्थान में बढ़ते जा रहे हैं।